मॉर्निंग फ्रॉम सुमर, सुमर से सुमर में हम, और आज हमारा प्लान है पैंगोंग लेक जाने का। तो पैंगोंग लेक जाते थे हम लोग, केला पास कवर करेंगे आज। तो पहले यहाँ से वाइला पास आएगा, वाइला पास के बाद केला पास आएगा। और तो भाई आप मिशन देंगे सारी। हाँ। तो भाई क्या सीन है अपना? सीन ये है कि यहाँ से पहले हम जाएंगे वाइला पास, और वाइला पास के लिए हमें लेना होगा शिवगली वाला रूट। शिवगली से पहले से हम पहुंचेंगे अगम, कलसर से अगम, अगम से लेफ्ट हैंड जाता है शिवगली, और राइट हैंड में हम चढ़ जाएंगे वाइला, और वो निकलता है शक्ति। वाइला एक ऐसा पास है जो बहुत कम लोग करते हैं, टफ भी है। और सबसे अच्छी बात है हम लोग नया पास कवर करेंगे इस बार, केला पास, जो कि अभी इनोग्रेशन किया है हमारे लद्दाख के एमपी ने, जो कि हमें कल नेता हम लास्ट ब्लॉग में देखा हुआ, उन्होंने इनोग्रेशन किया है जस्ट अभी। तो ये रूट थोड़ा इजी हो जाएगा, तो देखते हैं वहाँ स्नोफॉल मिलती है क्या, बर्फ मिलती है उस रूट पे, क्या मिलता है। तो आज प्लान ये कि पैंगोंग, पैंगोंग तक या पैंगोंग से आगे तक पॉसिबल हो, और पेट्रोल कैरी करना पड़ेगा आज हमें। तो आज की राइड स्टार्ट करते हुए, और ये राइड हमारी पैंगोंग लेक के लिए है। तो अपना फ्यूल है वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो रिजर्व में चल रही, देखो कितना किलोमीटर जाती है यहाँ से। वैसे 15 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप है, डिस्किट और डिस्किट और सियाचिन बेस कैंप का जो मिड पॉइंट है वहाँ पे। तो ट्राई करेंगे कि हम लोग सही सलामत वहाँ तक पहुँच जाए। क्या नाम है? खलसर। खलसर तो आगे खलसर, ये भी खलसर है, खलसर टी पॉइंट। खलसर से 5 किलोमीटर पहले है। तो फाइन, खलसर से 5 किलोमीटर पहले और बेस कैंप की तरफ टी पॉइंट पे पेट्रोल भरवाते हुए, नहीं तो आज फुल कर देना, नहीं तो आज लग जाते भाई बीच में रास्ते में। क्या भाव भैया? 108 रुपये। सही है 108 रुपये? तो यार जयपुर में भी इतना ही है, इतना ही है। हो गया भैया? हाँ कर दो, देखो 1100 हो गया, बस कट कर देना। कितना हो गया? 1100। एक 1100 रुपये ना, तो 1100 का कितना? 10 लीटर आया। तो यहाँ पे नाश्ता लेते हैं भाई साहब। और भाई जी क्या हाल चाल? ब्रेड ऑमलेट लगा ना, कल क्या लगवाया था भैया? आलू प्याज एक परांठा लगा दो मेरे तो। ब्रेड ऑमलेट है, फुल फ्राई, फुल फ्राई। चिकन मोमो खाना, चिकन मोमो है ना, चिकन मोमो है। हाँ सुनो सुनो, स्टफ अच्छा सा भर देना परांठे में ना। ठीक है। ये भाई के लिए क्या चाहिए? मैं तो ब्रेड ऑमलेट। इनके लिए ब्रेड ऑमलेट थोड़ा स्पेशल रखना भाई। हाँ स्पेशल। वाह क्या व्यू है भाई, कल वाली लोकेशन पे सेम लोकेशन। तो पेट्रोल फ्यूलिंग हो चुकी है, नाश्ता हो चुका है, और हम लोग यहाँ से खलसर है 3 या 4 किलोमीटर ऊपर, वहाँ से हम लोग पैंगोंग वाला रूट लेंगे। आगे से एक और रूट कटेगा तो वाइला है, तो वाइला होके उस रूट से हम लोग पैंगोंग जाएंगे, तो केला पास होते हुए। अगर केला पास पॉसिबल हुआ, बर्फ नहीं मिली, तो इजली चल जाएंगे हम लोग। तो अभी तो ये प्लान है हाल फिलहाल, तो हमें शाम तक पैंगोंग देखते कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो वो मेरे राइट साइड में चोपर उड़ता हुआ वहाँ पे, और बिल्कुल ही पास से उड़ रहा है एकदम, क्योंकि नीचे आर्मी बेस कैंप है। और क्या व्यू आ रहा है यार, बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल बराबर में से उड़ता हुआ एकदम, अलग ही नज़ारे। तो हमारा ये रूट राइट में गया खारदुंगला, और लेफ्ट में गया आगम से हो सकती पैंगोंग ले। तो ऐसे कुछ खतरनाक रूट है भाई पैंगोंग ले के लिए हाईवे। ये कुछ ऐसा हाईवे बिल्कुल जंगलों के बीच में से, और पानी बहता हुआ। शक्ति है 81 और आगम है 19, तो हम लोग 19 किलोमीटर से 19 किलोमीटर जाने के बाद हम लोग देखते हैं वहाँ से राइट या लेफ्ट, जो कि आई थिंक शक्ति की तरफ हमें जाना है। तो
तो यार कितना जंगल है, मतलब रात को तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ से भाई निकलना। फुल ऑफ एडवेंचर। ओहो, जूतों में पानी लग गया। हमारे आगे दिल्ली की गाड़ी जा रही है दिल्ली की, पर ये लोकल लोग चला रहे हैं या दिल्ली वाली है। सारे कुछ ऐसे हैं, खाली रोड है, सुनसान रोड है, और हम दो सिर्फ, और हमारी दो बाइक हैं, हम दो बस, वो दो। और यहाँ से अगम है करीब 10 या 15 किलोमीटर, 10 या 12 किलोमीटर, और अगम से हम लोग रहेंगे राइट। हाँ, राइट जाएंगे वारी इलाके, हम लोग जाएंगे राइट लेंगे अगम से, और लेफ्ट भी जा सकते हैं वहाँ से पेंगोंग, लेफ्ट जाएंगे कौन सा पास हो जाएगा, शोपी लोग पेंगोंग जाएंगे लेफ्ट, और राइट जाएंगे तो वारीला होगा। अच्छा, राइट जाएंगे तो वारीला पास होके हम लोग पेंगोंग जा सकते हैं, जहाँ पे केला पास क्लियर करेंगे, और एक रूट है अगम से लेफ्ट जाते हैं तो वो सियोक वैली होके जाएगा। तो अभी हम लोग नया रूट लेते हैं आज, और नजारे देखो यार क्या है, और पूरा मजे ले रहे हैं रूट के, चलाते हैं बाइक पूरी 80-90 भाग रही दौड़ रही है, और भाई को डांस करने की चुल पड़ रही है, चुल पड़ रही है। एक गांव है वहाँ पे पावर प्लांट है, बिजली का काम हो रहा है, बिजली का काम मतलब बिजली बन रही है वहाँ, चलो टॉप। और सामने एक ब्रिज है और सब कुछ खाली, तो चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे, नए रूट नया पास एक्सप्लोर करते हैं। वो रहा पुल सामने, तो इस पुल से हमें लेना है राइट, और राइट लेके वारिला, जो एक नया रूट है बिल्कुल, मतलब कोई काफ़ी कम लोग जाते हैं वहाँ से, हम लोग जाएंगे वहाँ से, और लेफ्ट में गया सियोक वैली होते हुए पेंगोंग सीधा, तो वारिला होते हुए पेंगोंग जाएंगे। क्या हो गया ये वाइला वाइला, तो राइट में ये है अपना शक्ति 62, कारू 72 और लेह 115, तो वाइला वाइला से फिर अपन सीधा पेंगोंग। हमने आगम से राइट में लिया है वाइला वाले के लिए रोड, तो यार सबसे खासियत बात है इस रूट पे एक भी मतलब कोई दिख नहीं रहा यार, सब कोई भी यहाँ मतलब लोकल लोग फिर भी एक बार गाड़ी लेके दिख रहे हैं कि हाँ जिनका गांव हुआ 4-5 किलोमीटर के आसपास, वो लोग फिर भी एक आध बार दिख रहे हैं, बल्कि यहाँ टूरिस्ट तो नामो निशान ही नहीं है टूरिस्ट का, तो मुझे 15-20 किलोमीटर हो गए अंदर आए हुए, पर यहाँ टूरिस्ट का नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसा क्यों है ये पता नहीं, आगे जानना चाहेंगे, आगे पूछते हैं किसी से, कोई गांव आता है तो वहाँ पे बिल्कुल ही कट रहा है एकदम यार ये गांव, बाकी रोड बहुत प्यारी बनी हुई है, और टूरिस्ट है ही नहीं यार, क्या क्या कहे बताओ। चले 49 शक्ति यहाँ से भाई बात करता हुआ, क्या सीन है देखो भाई, क्या सीन है, क्या व्यू पॉइंट आ रहे एकदम बढ़िया वाले, मतलब कुछ अलग ही डिफरेंट ही कुछ देखने लायक है। चलो कोई नहीं, निकल गया आराम से, पानी थोड़ा गहरा था पर खड्डा ज़्यादा नहीं था ना पत्थर से ज़्यादा। बड़ी बड़ी आग नहीं आता, मैं देखा ही नहीं कोई भी अभी तक यहाँ पे रोड पे, अभी गए हैं बाइकर बाइक वाले, अभी इतनी दूर से मैं आ रहा हूँ, वहाँ से आगम से कोई नहीं मिला रास्ते में, सिर्फ गांव वाले थे बीच में। चलो चाहिए हम लोग शक्ति,
हम तो है आ रहे हैं अभी एक और तीन गया जी चलो लेंगे हेलो ना एक मिनट और ये ले लो ठीक है आप इसी काम के हो क्या तो ग्रिफ में काम करते हो चलो बढ़िया नहीं बढ़िया अच्छा ठीक है सर ओके तो ये ग्रिफ में थे मैं इनको बोला यार बढ़िया तो बोले नहीं बढ़िया नहीं आप लोग लग रहे हो बढ़िया तो तो ये है भाई अपना वारिल्ला पास तो एल्टीट्यूड है इसका 17,216 फीट अबव एमएसएल प्रोजेक्ट हिमांग तो भाई ये लोग भी हम कवर करते हुए तो फाइनली हम लोग वारिल्ला पास पे आ चुके हैं और ये हमारे ऊपर तिरंगा लगा हुआ ट्राइंगुलर और वारिल्ला पास 17,216 फीट की हाइट पे है तो एक बार देख लीजिए कैसा क्या सीन है और पूरा व्यू देख लीजिए जो नीचे से हमें बर्फ दिख रही थी वो यहीं पे दिख रही थी मेरा भारत महान ये लिखा हुआ सामने और क्या व्यू क्या शानदार व्यू है भाई क्या शानदार व्यू है हाँ तिरंगा लहराता हुआ ऊपर जय हिंद तो एक और माउंटेन पास कवर करते हुए और फाइनली हम लोगों ने वारिल्ला पास कवर किया और देख सकते हो कितनी हाइट पे 17,216 फीट की हाइट पे तो मुश्किल से आधा घंटा में लगा है यहाँ पहुँचने में 30 किलोमीटर और यहाँ से तो आगम से आप राइट मार सकते हो और लेफ्ट में जाओगे तो सीधे पैंगोंग पहुँच जाओगे तो पैंगोंग हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है और बाकी अच्छा रूट है और बहुत अच्छा रूट बना हुआ रूट भी बना हुआ डामर की रूट अच्छी तो भाई कैसा फील हो रहा है बहुत शानदार फील हो रहा है नया पास यार मतलब पास तो पुराना है लेकिन बहुत कम ट्यूशन था कोई भी नहीं आता एक भी बंदा यहाँ ना हमें इस रूट पर नहीं दिखा है आप लद्दाख आ रहे हैं तो प्लीज यार यहाँ पर विजिट करो यार बाइक से एक भी बंदा नहीं दिखा कार से फिर भी थे टूरिस्ट थे यहाँ पे पर बाइक से कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है तो कुछ फुटेज लेते हैं और फिर शेयर करते हैं आप लोगों के साथ मुश्किल से 100 मीटर है यहाँ से मेरे यहाँ से आई थिंक यहाँ से गाड़ियाँ गई हुई है शायद अरे तो यार ये तो पता ही रात को पहुँचोगे तो यही सीन मिलेगा आग वाह धन्यवाद भाई फाइनली रास्ता दिया